म्यूजिक সুন্দর সময় বোঝে সময় এলো সৃষ্টি আজকে আকাশ জ্বলছে তাই সে হবে বৃষ্টি এ মাটি বুকেও সো দোস্তো আপ আপনা গাঁও কা ইয়া শহর কা নাম লিখ কর ইসি তরহ কে ভিডিও এডিটিং করনা চাহতে হো তো ইয়ে ভিডিও কো লাস্ট তক দেখতে রহো। ये वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको काइनमा स्टार और एलाइट मोशन एप्लीकेशन ज़रूरत पड़ेगी। ये सभी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद डिस्क्रिप्शन में एक सेक इफेक्ट का लिंक मिलेगा आपको, उसको डाउनलोड कर लेना और एलाइट मोशन एप्लीकेशन में इम्पोर्ट कर लेना। अगर डाउनलोड करना नहीं जानते हो या इंपोर्ट करना नहीं जानते हो उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे पहले देख लेना, उसके बाद सेक इफेक्ट को डाउनलोड करना और इंपोर्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन से वीडियो का म्यूजिक को भी डाउनलोड कर लेना। और ये फोटो का लिंक कहाँ मिलेगा वो मैं वीडियो के अंदर बताऊँगा, तब तक के लिए वीडियो पर कंटिन्यू बने रहो। सबसे पहले आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और 4.5 फार में कर देना है क्लिक और क्रिएट ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। यहाँ पे फोटो को ऐड करना है, फोटो को ऐड करने के लिए इस मीडिया ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और यहाँ पे फोटो को ऐड कर लेना है। फोटो को ऐड करने के बाद आपको लेयर ऑप्शन में कर देना है क्लिक और टेक्स्ट ऑप्शन में कर देना है क्लिक। और यहाँ पे जैसे कि फोटो पे मैं लिखूँगा पालाच्छिस कोथाई आमादेर ग्राम चौल, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ पालाच्छिस कोथाई। लिखने के बाद ओके ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और इस फ्रंट ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और इस फ्रंट को सिलेक्ट कर लेना रोबोट ब्लैक। उसके बाद इस टिक ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और यहाँ पे थोड़ा नीचे चले जाना है और इस ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और इसे अनेबल कर देना है और इस कलर पे टैप करना है और यहाँ पे वाइट को सिलेक्ट कर लेना है और टिक ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद इस तीर ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और थोड़ा ऊपर की तरफ जाना है और यहाँ पे कलर देखने को मिलेगा, तो कलर के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है और टिक ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद थोड़ा नीचे जाना है, इस ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और इसे भी अनेबल कर देना है और इस कलर ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और ये देखो 70 है तो इसे फुल कर देना 100 और टिक ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आपको एडजस्ट करके रख देना है, तो मैं रख दिया। यहाँ नीचे टेक्स्ट पर क्लिक करना है और ऊपर की तरफ 3 डॉट ऑप्शन में कर देना है क्लिक और डुप्लीकेट ऑप्शन में कर देना है क्लिक, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। उसके बाद इस एडिट ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और इसे हटा देना है। अब मैं लिखूँगा आमादेर ग्राम 24, उसके बाद ओके ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और इस कलर ऑप्शन में जाके वाइट को सिलेक्ट कर लेना है और टिक ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और थोड़ा नीचे की ओर जाना है और इस ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और इसको एकदम ज़ीरो कर देना है। उसके बाद इस तीर ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और इसको एडजस्ट करके आप रख सकते हो। उसके बाद इस ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और कैप्चर एंड सेव ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, तो ये फोटो कैप्चर हो जाएगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है और इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है और 4.5 में जो एक फार्म है उस फार्म को सिलेक्ट करना है और क्रिएट प्रोजेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके मीडिया में क्लिक करके इस ऑल ऑप्शन पर क्लिक करके काइन मास्टर से कैप्चर किया वो फोटो जिस भी फोल्डर में है वो फोल्डर को सिलेक्ट करके फोटो को ऐड करना है। उसके बाद ऊपर की तरफ 3 डॉट ऑप्शन में क्लिक करके 5 नंबर के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, तो ये थोड़ा फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद फोटो में क्लिक करना है और राइट के साइड आना है और इसको कर देना है एकदम 22 सेकंड तक। उसके बाद आपको सेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है और इस इफेक्ट को कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के लिए फोटो में क्लिक करना है और इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और 3 डॉट ऑप्शन पर क्लिक करना है और कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको बैक जाना है बीट मार्क पर और बीट पे आके फोटो में कर देना है इस इफेक्ट को पेस्ट। पेस्ट करने के लिए फोटो में क्लिक करना है, इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, 3 डॉट में क्लिक करना है और पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद इस आइकन में क्लिक करना है और एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट पूरा हो जाने के बाद सेव ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, तो गैलरी में सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को करना है ओपन। ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और 4.5 फार्म को चूज कर लेना है और क्रिएट पर कर देना है क्लिक। उसके बाद मीडिया ऑप्शन पर करना है क्लिक और एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो को ऐड करना है, तो मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो को ऐड कर लिया। उसके बाद 10 सेकंड में आके वीडियो के बीचों बीच करना है काट। काट करने के लिए वीडियो पर क्लिक करना है और इस कांची ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्प्लिट ऑप्शन में कर देना है क्लिक, तो वीडियो के बीचों बीच काट हो जाएगा। और लेफ्ट की साइड जो वीडियो है इस वीडियो में करना है क्लिक और इसको इस डिलीट बॉक्स में क्लिक करके डिलीट कर देना है। उसके बाद वीडियो में करना है क्लिक और स्पीड ऑप्शन में क्लिक करना है और इसे टच करके लेफ्ट की ओर आना है। वीडियो को 22 सेकंड तक करना है, इसे वीडियो में कर देना है क्लिक। उसके बाद आपने जो मेरा स्टेट डाउनलोड किया है उस वीडियो को सिलेक्ट करना है, तो लेयर में क्लिक करना है, मीडिया में क्लिक करना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसकी ऑडियो क्लिप को ले लेना है और वीडियो को डिलीट कर देना है। ऑडियो क्लिप को लेने के लिए
इस ऑप्शन पर कर देना है क्लिक और वीडियो को डिलीट बॉक्स में क्लिक करके डिलीट कर दिया। उसके बाद मेरा वीडियो बनकर तैयार हो गया। वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए इस आइकन पर क्लिक करना है और सेव वीडियो कर लेना है या एक्सपोर्ट वीडियो कर लेना है, जो भी आपका लिखा रहेगा वो कर लेना है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही ट्रेंडिंग वीडियो स्टेटस की ट्यूटोरियल पाने के लिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो पर। सो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे एसएमएस करो, मैं ये फ़ोटो सेंड कर दूँगा। और वीडियो पे कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना।